बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वे ऑफ सक्सेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर पे ही किसी बाइक के रियर व्हील की पोजीशन को कंफर्म कैसे कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आप अपने घर पे ही ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपके बाइक के रियर व्हील की जो पोजीशन है बिल्कुल सही है, या फिर आपके चैन से वो किस तरह से कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं हमारी बाइक के रियर व्हील की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 6 निशानों से बना एक स्केल दिख रहा होगा। जब आप अपने बाइक के रियर व्हील को आगे या पीछे एडजस्ट करते हैं किसी कारण से, जैसे लूज चेन या कोई कारण ले लीजिए, तो फ्रेंड्स जब आप इसे आगे या पीछे की तरफ एडजस्ट करते हैं तो इस स्केल में आप अपने बाइक के व्हील की पोजीशन चेक कर सकते हैं कि आपका रियर व्हील कौन सी लोकेशन पर जुड़ा है। फ्रेंड्स, ऐसा ही स्केल आपको बाइक के दूसरी तरफ भी मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारी बाइक के दूसरी तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको अपने 6 निशान का एक स्केल दे रखा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस स्केल का यूज़ कैसे करें, अपनी बाइक के किन मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं आप इन स्केल से। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि कई बार आपकी जो बाइक का संतुलन है वो बिल्कुल भी सही नहीं रह पाता। खासकर अगर मोड़ों पे अगर आप बाइक को मोड़ते हैं तो आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। और फ्रेंड्स, मैं खुद भी प्रैक्टिकली देख चुका हूँ कि कई सारी बाइक्स में जो है नॉर्मली इन स्केल्स की पोजीशन सेम नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, आप इस स्केल के सामने ही एक छोटे से निशान को देख रहे होंगे जो कि आपके बाइक की एग्जैक्ट व्हील की पोजीशन को शो करता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसे पीछे की तरफ से काउंट करें तो ये चौथे निशान पर यानी 4th सिंबल पे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त जो है मैं अगर चेक करूँ मेरे बाइक की दूसरी तरफ से, तो दोनों तरफ से जो है पोजीशन आपकी सेम रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इस वक्त जो है इस तरफ से भी 4th पोजीशन पे है और उस तरफ से भी पीछे की तरफ से 4th पोजीशन पर है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे बाइक की जो रियर व्हील की पोजीशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने बाइक में चेक करें तो हो सकता है आपको ये परफेक्ट ना मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बाइक की पोजीशन जो है परफेक्ट नहीं मिलती है दोनों तरफ के जो बोल्ट्स की, तो आप उसे जो है एडजस्ट करवा लीजिए। अगर फ्रेंड्स आप जानते हैं बाइक के बारे में, या फिर अगर आप अपने बाइक के लेदर को चेंज करवाते हैं और आपको मालूम है कि ये कैसे हो सकता है, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप किसी मैकेनिक से इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करवा लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इस वीडियो से आपकी कोई भी छोटी मदद हुई, तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप अपने फ़ोन में पा सकें और आपको जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।